Hello everyone and a very warm welcome to Siksha guys. So guys, here we are with current affairs and development issues new lecture, and इस लेक्चर के अंदर मेरा फोकस जो है प्राइमरी जो टॉपिक है टाइगर सेंसर्स का हमने डिस्कस करना है. अभी अप्रैल के अंदर ही टाइगर सेंसर्स, जो बेसिकली फिफ्थ टाइगर सेंसर्स है, उसके रिजल्ट्स रिलीज हुए थे. तो टाइगर सेंसर्स को हमने मेनली इसके अंदर डिस्कस करना है, और टाइगर सेंसर्स के साथ कुछ सप्लीमेंट्री टॉपिक्स रिलेटेड टू टाइगर हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है उसके बारे में समझ लेंगे. ओके, एनटीसीए की क्या कुछ पावर्स होती हैं, टाइगर रिजर्व के अंदर जो कोर रिजर्व और बफर जोन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या एक्टिविटीज अलाउड होती हैं क्या नहीं अलाउड होती, एंड ऑल्सो हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर करेंटली, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, पूरे का पूरा लिस्ट उसका देखेंगे, ताकि वो आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि टाइगर रिजर्व जैसे जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एरियाज है ना, उनके ऊपर सवाल आता ही आता है. और पीडीएफ की आपने टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब पीडीएफ के दो जरिए हैं पीडीएफ हासिल करने के, या तो आप पीडीएफ की सब्सक्रिप्शन ले लो सिर्फ, जो अराउंड 99 रुपीज की है, जिसमें आपको यूट्यूब के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है. दूसरा, आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स ले सकते हो, जिसमें आप यूपीएससी ईपीएफओ कोड जब यूज करोगे तो 50% ऑफ के बाद आपको अराउंड 300 रुपीज का ही पड़ता है. इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी गैप, इनके क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिलती हैं. तो अगर आप कॉम्बो कोर्स ले रहे हो तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. इंडिविजुअली भी आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ गैप के क्वेश्चन चाहिए या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्वेश्चन चाहिए या सोशल सिक्योरिटी के चाहिए. ओके, एंड दिस इज द राइट टाइम टू गेट दीज क्वेश्चन गाइज. ओके, ऑल राइट, तो अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. सबसे पहले रिसेंटली न्यूज में क्यों था, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जो है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी ना फिफ्थ साइकिल इंडियाज टाइगर सेंसस, फिफ्थ साइकिल बेसिकली जो फिफ्थ राउंड है, हर चार साल में टाइगर सेंसस होता है, ठीक है, और ये अब आपका फिफ्थ टाइम हुआ है. इससे पहले ये बेसिकली जो टाइगर सेंसस 2022 इसको हम बोल रहे हैं, रिजल्ट्स 2023 में रिलीज हुए हैं, एंड इससे पहले 2018 में हुआ था आपका. ओके, तो इस सेंसस के अंदर जो प्राइमरी चीज है जो आपने याद रखनी है, 6.7% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है, यानी कि पिछले चार सालों के अंदर टाइगर पॉपुलेशन के अंदर 6.7% का इंक्रीज हुआ है. ये फैक्ट, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछा जाएगा. जितना भी डाटा मैं इस लेक्चर के अंदर दे रहा हूं ना, ऑलरेडी जो डाटा छोड़ने वाला था बेटा वो मैं छोड़ चुका हूं, तो अब इसके अंदर आप मत सोचना कि कोई भी डाटा छोड़ने वाला है, वो सारे का सारा डाटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो टाइगर सेंसस ने जो है 20 स्टेट्स को इंडिया में कवर किया, जो बेसिकली टाइगर हैबिटेट स्टेट्स हैं. अगेन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है अगर वो इस टाइप का स्टेटमेंट दे दे कि टाइगर सेंसस इज डन वाज डन इन ऑल द स्टेट्स, 28 की 28 स्टेट्स, तो सब स्टेट्स में तो टाइगर होता भी नहीं वैसे भी, है ना. ओके, कैमरा ट्रैप्स सेट किए गए थे. अब ये वाला फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कितने लोकेशन में, यानी दिस वर द फोटोग्राफ्स दैट वर कलेक्टेड. ओके, याद करने की जरूरत नहीं है. और ये जो सेंसस का डाटा रिलीज किया था, ये प्रधानमंत्री बेसिकली एक इवेंट अटेंड कर रहे थे, ही वाज इनॉग्रेटिंग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. इसके बारे में भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर. और ये कर्नाटका के मैसूरु में बेसिकली ये प्रोग्राम चल रहा था, इनॉग्रेशन चल रहा था बेसिकली, टू मार्क 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर को आपके 50 इयर्स हो गए, 1973 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो 2023 में इसके 50 साल पूरे हो गए हैं, और उसी के इवेंट पे ये टाइगर सेंसस का डेटा रिलीज किया गया. टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें तो नेशनल टाइगर सेंसस, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चार साल में होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है. कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है. अगेन याद रखना है, इसमें एनटीसीए पार्टनरशिप में काम करती है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हो गए, जो एनजीओज हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है. ओके, सो दीज ऑल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द सेंसस. और सेंसस के अंदर डबल मेथड यूज किया जाता है, डबल सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं. एक तो ग्राउंड बेस्ड सर्वे होता है, ठीक है, दूसरा जो कैमरा ट्रैप्स जंगल के अंदर लगाए होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने, उन इमेजेस से बेसिकली टाइगर का सेंसस. अब आपको हो गए, सर फोटो खींच के टाइगर का सेंसस कैसे? टाइगर में एक सबसे खास बात होती है, जो स्ट्रिप्स होती है ना टाइगर की, जैसे हमारे हाथों के अंदर क्या होता है ना कि भाई फिंगरप्रिंट है, ऐसा बोलते हैं कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, एवरी ह्यूमन बींग, करोड़ों लोग हैं लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, सबका फिंगरप्रिंट अलग है. सिमिलरली टाइगर के जो स्ट्राइप्स होते हैं ना बॉडी के ऊपर, स्किन के जो स्ट्राइप्स होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो हर टाइगर का अलग होता है, यूनिक होता है,
एंड उसी को यूज करके बेसिकली ये सेंसर जो है वो किया जाता है। की फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन 200 से बढ़ी है। 200 इज नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ओवर हियर। 2018 के अंदर इट वॉज 2967 एंड करंटली इट इज 3167। तो 200 से पॉपुलेशन बढ़ गया। ये याद रखने हैं नंबर्स, 3167, 2967। वैसे तो एक नंबर याद कर लो और 200 प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा। ग्रोथ रेट 6.7% का हुआ है, वो भी हमने देख लिया। एंड ये ग्रोथ रेट दो ग्रो तो किया है, ग्रो तो हुआ है, लेकिन ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गया है क्योंकि 2014 से 18 के बीच में, 2014 जब आपका थर्ड सेंसस हुआ था, तो 2014 से 18 के बीच में जो ग्रोथ था वो 33% का था, बट अब 6.7% का रह गया। तो ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला है। ये इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल वो वन ऑफ द स्टेटमेंट आपको दे दे दैट एज सीन इन द टाइगर सेंसस ग्रोथ रेट हैज स्लोड डाउन एज कंपेयर्ड टू ग्रोथ बिटवीन 2014 एंड 18। ठीक है, तो अब बताओ ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अब इंक्रीज देखने को मिला कुछ एरियाज के अंदर टाइगर पॉपुलेशन में, जो शिवालिक हिल्स और गैंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया है, वहीं जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर डिक्लाइन आपको देखने को मिला। नीलगिरी क्लस्टर वाला जो एरिया है साउथ इंडिया के अंदर, वहां पर आपको लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन दिखेगी वर्ल्ड की। एंड बेसिकली यहाँ से एक टाइगर्स जो है आप लगा सकते हो कि कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं उस नेबरिंग एरिया का। तो लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन नीलगिरी क्लस्टर के अंदर है। डिक्लाइन की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड जो वेनाद लैंडस्केप है या बिली गंगा जो हिल्स हैं उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नॉर्थ वेस्ट ऑफ यमुना को पहली बार सेंसस के अंदर इंक्लूड किया गया। सिमलीपाल जो आपका एरिया है, जो टाइगर सिमलीपाल के अंदर मिलते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज जेनेटिकली यूनिक और काफी स्मॉल पॉपुलेशन है वहां पर टाइगर्स की। तो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स की काफी हाई प्रायोरिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फिर इस सेंसस के अंदर कुछ बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व्स को भी हाईलाइट किया गया। तो सबसे टॉप पर आया आपका पेरियर टाइगर रिजर्व केरला, जिसको बेस्ट मेंटेन्ड ऑफ ऑल टाइगर रिजर्व्स का टाइटल मिला। सेकेंड नंबर पे था सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, बंदीपुर एंड नगरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। अब ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन ये आपका नीलगिरी क्लस्टर, ये अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ऑलराइट, सो अगर हम जोन वाइज बात करें तो जोन वाइज आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा टाइगर्स आपके सेंट्रल इंडियन हाईलैंड एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप के अंदर है। ऑलराइट, अगर पूरे के पूरे लैंडस्केप की बात करें, जो शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स वाला है वहां पर 804 है, वेस्टर्न घाट्स लैंडस्केप में 824, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन लैंडस्केप में 194 एंड सुंदरबन लैंडस्केप में 100। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, जिसके इवेंट पे प्रधानमंत्री ने सेंसस का डाटा रिलीज किया। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना, ये सिर्फ टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काम नहीं करती। ये जो 7 मेजर बिग कैट्स होती हैं आपकी, जिसके अंदर टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर और चीता, ये आ जाते हैं। ठीक है, 7 मेजर बिग कैट्स आ जाती हैं। 97 इसकी कंट्रीज अभी तक मेंबर हैं। एंड बेसिकली ये क्या प्रमोट करता है कि पार्टनरशिप के साथ काम किया जाए, ताकि उस एरिया के अंदर जो लोग हैं उधर उनकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो, सस्टेनेबल वे में इको टूरिज्म डेवलप हो, उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो एंड साथ साथ कंजर्वेशन का काम भी हो। इसमें आपकी एक जनरल असेंबली है, काउंसिल है और सेक्रेटेरिएट है। इंडिया ने बोला है कि हम 100 मिलियन की ग्रांट असिस्टेंस देंगे पहले 5 साल में। ठीक है, हिंदुस्तान ने क्या बोला है कि हम 5 साल के अंदर अंदर 100 मिलियन डॉलर का तुमको ग्रांट देंगे, और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होगा इस कैटलाइंस के अंदर, मेंबरशिप फीस और जो मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वो पैसा आएगा। प्रीवियसली 2019 के अंदर भी इंडिया ने इस टाइप की एक अलायंस का जो है इन्विटेशन दिया था, नॉट दिस पर्टिकुलर अलायंस एंड हैज बीन फॉर्म्ड, और ये मेजरली इंडिया के इनिशिएटिव से ही दोस्तों फॉर्म हुई है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन टाइगर देखेंगे। अब कुछ हम स्टैटिक पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन टाइगर, साइंटिफिक नेम
यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में साइंटिफिक नेम के ऊपर कई बार टाइगर और लायन में क्वेश्चन आया है। तो पैंथेरा टिग्रिस इंडियन सब स्पीशीज जो होती है, जो इंडिया में बेसिकली टाइगर मिलता है वो है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। 8 सब स्पीशीज है बेसिकली टाइगर की, जिसमें आपका बंगाल टाइगर आ जाता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट टाइगर जिसको हम बोलते हैं, जो ये बेसिकली आपका पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस है। कैस्पियन टाइगर ये बेसिकली सेंट्रल और वेस्ट एशिया में मिलता है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। 3 ऐसे टाइगर के सब स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अमूर टाइगर ये रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया में मिलेगा। जावन टाइगर जावा इंडोनेशिया में मिलता था, एक्सटिंक्ट हो चुका है। साउथ चाइना टाइगर साउथ सेंट्रल चाइना में। बाली टाइगर बाली इंडोनेशिया में मिलता था, अगेन ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। सुमात्रन टाइगर सुमात्रा इंडोनेशिया एंड इंडो चाइनीज टाइगर ये आपको मिलता है कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया में। तो 3 जो टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इनका नाम भी आप याद रखेंगे। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करता है। IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड एनिमल है, ध्यान में रखना है। और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में भी अपेंडिक्स 1 में आता है, गिविंग हाईएस्ट इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर करंटली कितने टाइगर रिजर्व्स हैं दोस्तों? करंटली इंडिया के अंदर 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, इसको 54 कर लेंगे, ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। एंड लार्जेस्ट जो है इसमें आपका नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश का है। और स्मॉलेस्ट औरांग टाइगर रिजर्व है, जो असम में है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है। और ये स्कीम में बेसिकली सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है कि हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उन स्टेट्स को जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स के अंदर। एंड बेसिकली टाइगर्स को सेव करने का इनिशिएटिव है। और 1 अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसको इनिशिएट किया गया था। ये भी याद रखेंगे कि कौन से नेशनल पार्क के अंदर इसको इनिशिएट किया गया था। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, स्पेशली जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के 50 ईयर्स खत्म हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एक एक माइन्यूट चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, देखो अब टाइगर रिजर्व एक नोटिफाइड एरिया है। अब ऐसा तो नहीं है ना, भगवान ने तो कोई टाइगर रिजर्व की लाइन लगाई नहीं कि ये टाइगर रिजर्व है ये नेशनल पार्क है, वो तो सरकारें करती हैं। तो नोटिफाइड एरिया है, नोटिफाई कौन करेगा? सरकार करेगी, ठीक है। किस लिए? टाइगर और उसके प्रे की प्रोटेक्शन के लिए। तो जब भी हम टाइगर को रिजर्व कर टाइगर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम हमेशा उसके प्रे को प्रोटेक्ट करने की भी बात करते हैं। क्योंकि अगर टाइगर का प्रे नहीं है, टाइगर का शिकार नहीं है, तो टाइगर खाएगा क्या? टाइगर का शिकार सुरक्षित रहेगा तभी तो टाइगर सुरक्षित रहेगा। अब आपका खाना, जो भी आप खाते हो, अगर आपका खाना आपसे कोई छीन ले तो आप बचोगे ही नहीं। तो वही सेम कंसेप्ट यहां पर है, ओके। तो वो सब प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं, ओके। अब टाइगर रिजर्व, किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व कौन नोटिफाई करता है? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट करता है नोटिफाई, किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नोटिफाई स्टेट ही करेगा। देखो ये कानूनी चीजें कुछ ऐसी ही होती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन रिकमेंड कौन करेगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके। अब जब हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो टाइगर रिजर्व के अंदर 2 एरियाज आ जाते हैं, एक को हम बोलते हैं कोर जोन और एक को हम बोलते हैं बफर जोन। ये कोर जोन और बफर जोन क्या होता है, इसको भी ब्रीफली समझते हैं। तो कोर जोन बेसिकली क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है। यहां पर बेसिकली ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर हम किसी भी एरिया को कोर जोन बोलते हैं, जहां पर टाइगर एक्टिविटी मैक्सिमम हो, टाइगर और उसके प्रे की एक्टिविटी। एंड इस एरिया में मिनिमम इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं आप अलाउ करोगे, ओके। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं उन एरियाज के, उनके राइट्स को तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो उनके अधिकार हैं वो तो उनके पास रहेंगे। लेकिन बाहर से आप ऐसा नहीं है कि आप कोर जोन के अंदर घुस जाओ, आप किसी नेशनल पार्क में घूमने चले जाओ, वो आपको कोर जोन के अंदर नहीं लेकर के जाएंगे अगर आप किसी टाइगर रिजर्व में जा रहे हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस स्पेशल रिक्वेस्ट उसके लिए हो, आपने कोई रिसर्च करना है या कोई इस टाइप का कुछ चीज है, ठीक है, ओके। नाउ नोटिफिकेशन अगेन कोर जोन की स्टेट गवर्नमेंट करती है, और कोर जोन नोटिफाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है एक एक्सपर्ट कमिटी से, जो इसी पर्पस के लिए बनाई जाती है। फिर आ जाता है बफर जोन। अब देखो एक तो हो गया कोर जोन, अब थोड़ा बाहर आकर के हो गया बफर जोन। ये वो एरिया है जहां पर कंपैरेटिवली
लेस प्रोटेक्शन है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एरिया टाइगर के लिए और टाइगर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर के प्रे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज कोर जोन। इसके अंदर बेसिकली हम प्रमोट कर देते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को। हाँ भाई, किसी को आना है घूमने फिरने आना है, रिसर्च करने आना है तो आओ, लेकिन अगेन ध्यान क्या रखना है आपने कि कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को वॉयलेट नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप टूरिज्म वगैरह को भी प्रमोट करते हो ताकि जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड और सोशल डेवलपमेंट हो सके। ओके, नाउ द लिमिट्स ऑफ सच एरिया आर डिटरमाइंड अगेन ऑन द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और बफर जोन के लिए कंसल्ट किया जाता है ग्राम सभा को, उस एरिया की जो भी ग्राम सभा पड़ेगी, और एक्सपर्ट कमिटी, दोनों को उस केस में कंसल्ट किया जाएगा। ओके, अब अगर फॉर एग्जाम्पल कल को स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यार हमको ऑल्टर करना है, हमको ये जो टाइगर रिजर्व है इसके अंदर कोई ऑल्टरेशन करना है, तो आपका कंसेप्ट क्या बोलता है, आपका लॉ क्या बोलता है कि एक बार जो टाइगर रिजर्व नोटिफाई हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी बाउंड्री को ऑल्टर नहीं कर सकती, चाहे वो कोर एरिया है चाहे वो बफर जोन है, ठीक है, या ओवरऑल है, स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं ऑल्टर कर सकती, कम नहीं कर सकती, अंटिल एंड अनलेस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशन हो स्टेट गवर्नमेंट के पास कि हाँ जी आप ऑल्टर कर दो, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने उसको अप्रूव किया हो। तो इसके अंदर दो दो चीजें हो गई, सबसे पहले तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ठीक है, पहले क्या होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टेट को रिकमेंड करेगी कि हाँ कर सकते हो, उसके बाद अप्रूवल के लिए जाएगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास, अगर वो भी अप्रूव कर देगा तो ही आप कर सकते हो। ओके, वंस अ टाइगर रिजर्व इज नोटिफाइड, अगेन स्टेट गवर्नमेंट उसको डी नोटिफाई नहीं कर सकती, एक्सेप्ट वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने भी उसको अप्रूव किया है। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर बड़ा लिमिटेड सा स्कोप रह जाता है खुद से एक्शन लेने का। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के अंडर इसे फॉर्म किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। ठीक है, टाइगर टास्क फोर्स बनी थी 2005 ने, उसने रिकमेंड किया था इस पर्टिकुलर बॉडी की फॉर्मेशन के बारे में, एंड अल्टीमेटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो 2006 में अमेंडमेंट करके इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन चेयरपर्सन है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में, वो वाइस चेयरपर्सन होता है, प्लस 3 MPs इसके मेंबर होंगे, और जो MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का जो सेक्रेटरी है वो इसका मेंबर होगा। तो कॉम्पोजिशन जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस की, कि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाती है तो वो अप्रूवल के पास जाएगा, NTCA के पास। ओके, ये बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी प्रोजेक्ट या लैंड यूज के लिए, जैसे भाई माइनिंग करनी है किसी को या इंडस्ट्री लगानी है जो टाइगर रिजर्व के इन एंड अराउंड एरिया है, टाइगर रिजर्व में एरिया है, तो उन प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करेगी, असेस करेगी कि भाई कितना सस्टेनेबल है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर अनसस्टेनेबल है तो उसको डिनाई कर देगी, डिसअलाउ कर देगी। टूरिज्म के लिए इन एरियाज के अंदर स्टैंडर्ड्स सेट करेगी, प्रोजेक्ट टाइगर के गाइडलाइंस बनाएगी। जो बेसिकली कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं बफर एरियाज में, कोर एरियाज में, उनमें क्या क्या पॉइंट्स लाने हैं वो ये लेकर के आएगी, और वो अच्छे से उनकी कॉम्प्लियंस हो रही है या नहीं वो भी देखने का काम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का है। उसके बाद जी वेरियस प्रोटेक्शन मेजर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को हेल्प करेगी कंजर्वेशन प्लान्स के अंदर, पॉपुलेशन कैसे एस्टिमेट करनी है टाइगर की और उसके प्रे की, हैबिटेट का स्टेटस क्या है, डिजीज सर्वेलेंस करना है एनिमल्स के अंदर, मोर्टैलिटी सर्वे अगर डेथ हो रही है तो उसका सर्वे, पेट्रोलिंग रिपोर्ट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ये वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जी ये इंश्योर करेगी कि जो लिंकेज है एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया के दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया से, उसको डाइवर्ट ना किया जाए अनसस्टेनेबल यूज के लिए, अंटिल एंड अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट हो। क्योंकि देखो टाइगर क्या है, वो जंगल का मतलब ये है कि वो वहां पर आजाद है। आप ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये बाउंड्री बना दिया तो टाइगर को तो नहीं पता ना कि ये भाई टाइगर रिजर्व है। अब ये एक टाइगर रिजर्व है, यहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व है, बीच में सड़क है, तो उसको नहीं मालूम ना ये सड़क इंसान ने बनाया, तो वो तो जाना चाहेगा दूसरे टाइगर रिजर्व में, वो तो शेर है।
शेर, हम हिंदी में कहावती क्या बोलते हैं भाई, इलाके किसके होते हैं, कुत्तों के, ऐसा बोलते हैं ना, शेर का इलाका होता है क्या? तो शेर को पता है क्या कि उसका ये इलाका है? शेर तो मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसे कनेक्टिविटी देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनटीसीए इसके ऊपर भी ध्यान देगा। उसके बाद टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट के ऊपर सपोर्ट जो है स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए। ओके, पीपल पार्टिसिपेशन रखा जाएगा ताकि जो प्लान्स अप्रूव हों वो लोकल पीपल उसको इजीली सपोर्ट करें, ताकि उनकी एक्सेप्टेंस रहे उनके अंदर। और उसके बाद टू इंश्योर क्रिटिकल सपोर्ट इंक्लूडिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लीगल सपोर्ट फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी नेसेसरी सपोर्ट है टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स के लिए वो भी ये प्रोवाइड करेगा। ऑल राइट, चलिए अब हम दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने टाइगर रिजर्व्स की। तो यहाँ पर मेरे को आपके साथ 54 टाइगर रिजर्व्स डिस्कस करने हैं। अगेन मैं लिस्ट आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर नहीं कराऊंगा, वील डू इट टुगेदर। ओके, एक एक करके हम देखेंगे। एंड सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर एक ही टाइगर रिजर्व है, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, दैट इज नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का हो गया। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल के अंदर तुम्हारे तीन है, अरुणाचल के अंदर तीन है, अपने दिमाग के अंदर सोच लो, जो लोगों को आते हैं वो रिवाइज करेंगे साथ के साथ। अरुणाचल के अंदर तीन है, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व, उसके बाद नामडाफा। कितनी बार नामडाफा जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट के अंदर है, कितनी बार? बहुत बार, गिनती नहीं है। पाके टाइगर रिजर्व, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, यूपीएससी बेस्ड एग्जामिनेशंस के अंदर भी पूछा जा चुका है पाके टाइगर रिजर्व। तो अरुणाचल के अंदर तीन हो गए, ठीक है, आंध्रा के अंदर एक है, अरुणाचल के अंदर तुम्हारे तीन टाइगर रिजर्व हो गए, कामलांग, नामडाफा और पाके। उसके बाद आ जाओ दोस्तों असम के ऊपर। असम में तुम्हारे चार टाइगर रिजर्व्स हैं। सोचो दिमाग में, रिकॉल करो फटाफट से, जिस जिसको याद है कि कौन से असम के अंदर है। सबसे पहले तो बड़े फेमस हैं दो, एक तो आपका काजीरंगा है, ठीक है, दूसरा आपका मानस है, काजीरंगा मानस, फिर है आपका नामेरी, और फिर आ जाता है आपका सबसे छोटा टाइगर रिजर्व्स के अंदर जो टाइगर रिजर्व आता है, एंड दैट विल बी योर औरंग टाइगर रिजर्व, औरंग, औरंग, ठीक है। तो चार टाइगर रिजर्व्स आपके असम के अंदर हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड औरंग टाइगर रिजर्व। ओके, बिहार में तुम्हारा एक ही है बस, तो याद रखना, बिहार में एक है, आंध्रा में एक है, बिहार में एक है। बिहार वाला कौन सा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बिहार के बाद आ जाओ छत्तीसगढ़ के ऊपर। छत्तीसगढ़ में तुम्हारे तीन टाइगर रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ में कितने हैं बेटा? तीन है। तीन टाइगर रिजर्व कौन से हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? सबसे पहले है आपका अचंतमर टाइगर रिजर्व, ठीक है, उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती, और फिर आपका आ जाता है उदांती, सीतांदी, उदांती। देखो ये एक बार में याद नहीं होंगे, और इनको इस तरीके से कराने का मोटिव ये है, वीडियो चला करके बैठ जाना, अगर स्क्रीन में आंखें फूटती हैं ना बार बार देखने से, पूरा दिन तुम्हारी गलती नहीं है यार, किताबों को देखना, कंप्यूटर स्क्रीन को देखना, मोबाइल में लेक्चर देखना, आंखें थक जाती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ट्रेन में जा रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, ईयरफोन कान में ठूसो और बस मेरी आवाज सुन लो, मेरी आवाज से भी तुम्हें प्यार हो जाएगा, चाहे जितनी मर्जी मनहूस हो, ठीक है। झारखंड में एक है, झारखंड के अंदर भी एक ही है, और वो कौन सा है तुम्हारा? पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, झारखंड के अंदर। उसके बाद दोस्तों कर्नाटका के अंदर तुम्हारे पांच है, कर्नाटका के अंदर पांच है, तो कर्नाटका में देखते हैं। कर्नाटका में पांच कौन से हैं? सबसे पहले है तुम्हारा बंदीपुर,
भद्रा, ठीक है, बिलीगिरी, रंगनाथा टेंपल टाइगर टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी, रंगनाथा टेंपल टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, इसको काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, दांडेली, तो दोनों नाम याद होने चाहिए, दांडेली अंशी या काली टाइगर रिजर्व। नगर होल, अगेन फेमस है नगर होल टाइगर रिजर्व तो काफी। ओके, सो दीज आर फाइव टाइगर रिजर्व्स ऑफ कर्नाटका। ओके, बंदीपुर, भद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथा टेंपल टाइगर रिजर्व, दांडेली, आंशी और काली टाइगर रिजर्व एंड नगर होल टाइगर रिजर्व। कर्नाटका के बाद आ जाओ केरला के ऊपर। केरला में दो हैं, केरला में दो हैं, केरला में दो हैं, एंड वन इज योर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, एंड द अदर वन इज पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार। ओके, तो ये आपके यहां तक टोटल 20 टाइगर रिजर्व्स हो गए, ठीक है, 20 टाइगर रिजर्व्स आपके हो गए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर आपके तीन टाइगर रिजर्व, छह टाइगर रिजर्व्स हैं, सॉरी, एमपी के अंदर दोस्तों छह टाइगर रिजर्व हैं, एमपी के अंदर छह टाइगर रिजर्व हैं, बंधवगढ़, बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी, संजय डुबरी एंड सतपुरा, पांच टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर, बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी एंड सतपुरा। एमपी के बाद आ जाओ महाराष्ट्र के ऊपर, और महाराष्ट्र में आपके छह टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में छह हैं, महाराष्ट्र में छह टाइगर रिजर्व है, बोर, मेलघाट, नावेगांव, नगजीरा, पेंच। अब देखो पेंच आपका एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है, बॉर्डर पे आता है, ठीक है, पेंच, सह्याद्री। ओके, ताडोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व, ताडोबा, अंधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपके कितने हो गए, छह हो गए, बोर, मेलघाट, नवेगांव, नगजीरा, पेंच, सह्याद्री, तदोबा, अंधेरी। ओके, ऑलराइट, महाराष्ट्र के बाद आ जाओ जी, मिजोरम में एक है, मिजोरम में एक है, और वो एक कौन सा है, डांपा, डांपा टाइगर रिजर्व। उसके बाद ओडिशा, ओडिशा में दो हैं, सतकोसिया और सिमिलीपाल। सिमिलीपाल के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी, हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी दी गई है इसके अंदर, क्योंकि रेयर और यूनिक टाइगर्स हैं और स्मॉल पॉपुलेशन है काफी सिमिलीपाल में। राजस्थान के अंदर आ जाएंगे तो चार हैं राजस्थान में, राजस्थान में कितने हैं दोस्तों, चार, कौन से चार हैं, मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, सरिस्का, ठीक है, तो ये चार टाइगर रिजर्व्स हैं आपके राजस्थान के अंदर। उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु की, और तमिलनाडु में तुम्हारे पांच टाइगर रिजर्व्स हैं दोस्तों, पांच टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन से हैं पांच, सबसे पहले कलक्कड़, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़,
मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, उसके बाद अमराबाद टाइगर रिजर्व, सॉरी सॉरी सॉरी, अमराबाद तो तेलंगाना के अंदर है, एक मिनट रुको, ओके, तमिलनाडु के अंदर तुम्हारा एक हो गया कलक्कड़, एक होगा अन्नामलाई, ओके, और फिर होगा आपका श्री विल्ली पुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्ली पुत्तूर। मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, पांच हो गए ना, कलक्कड़, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, अन्नमलाई और श्री वल्ली पुत्तूर मेघमलाई, ठीक है। मलाई वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे तमिलनाडु में ही हैं, ओके। तेलंगाना में दो हैं दोस्तों, तेलंगाना में दो हैं, कौन से हैं दो, अमराबाद और कवल, अमराबाद और कवल, ओके। उसके बाद यूपी के अंदर चार हैं, यूपी में चार हैं, चार कौन से हैं यूपी के अंदर, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनागढ़, चार हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनागढ़, यूपी में। उत्तराखंड में भी यूपी के साथ ही देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, उत्तराखंड में दो आ जाएंगे, कॉर्बेट और राजा जी, कॉर्बेट और राजा जी, ठीक है। फाइनली वेस्ट बंगाल के अंदर तुम्हारे दो हैं, बक्सा और सुंदरबंस। तो ये है टोटल आपके 54 टाइगर रिजर्व्स। एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अरुणाचल में कामलांग, नामडाफा और पाके तीन हैं, असम में चार हैं, काजीरंग, मानस, नामेरी, औरांग, बिहार में एक वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में तीन, अचंकमर, इंद्रावती, उदंती सितंदी, झारखंड में एक, पलामू, कर्नाटका में पांच, बंदीपुर, भद्रा, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल, दांडेली अंशी या काली टाइगर रिजर्व, नगरहोल टाइगर रिजर्व। केरला में दो, परम्बिकुलम, पेरियार। एमपी में आपके छह हैं, बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी और सतपुरा। महाराष्ट्र में भी छह हैं, बोर, मेलघाट, नवेगांव, नगजीरा, पेंच, सह्याद्री, तादोबा, अंधेरी। मिजोरम में डांपा एक है, उड़ीसा में दो हैं, सतकोसिया और सिमलीपल, राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर और सरिस्का, तमिलनाडु में पांच हैं, कलक्कड़, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, अन्नमलाई और श्री विल्ली पुत्तूर, तेलंगाना में दो, अमराबाद और कवल, उत्तर प्रदेश में चार, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़, उत्तराखंड में दो, कॉर्बेट और राजाजी, वेस्ट बंगाल में दो, बक्सा और सुंदरबंस, ठीक है। तो ये आपके टाइगर रिजर्व्स हैं दोस्तों। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसके अंदर हमने टाइगर्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक फ्रेम दिया है, एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। पीडीएफ आपको इसका एज इट इज मिल जाएगा इफ यू हैव द सब्सक्रिप्शन, ईदर ऑफ पीडीएफ और ऑफ द कॉम्बो कोर्स, ओके। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।